आज हम सारे जितने भी ट्रांसपोर्टर भाई हैं इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है। हमारी गाड़ियां लखनपुर में रोक दी जा रही हैं। जो टूरिस्ट हमारे बाहर से आ रहे हैं उनको 5-5 घंटे तंग किया जा रहा है। एक तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन बोलती है कि 7,000 टूरिस्ट को दर्शन के लिए हमने वो परमिशन दे दी है। कैसे परमिशन दी है? ट्रेन चल नहीं रही, ट्रांसपोर्ट आप आने नहीं दे रहे, लखनपुर में रोक रहे हैं हमारी गाड़ियों को। कहाँ से आएगा टूरिस्ट? उड़ के आएगा? हवाई जहाज़ में भी 100-150 बंदा आएगा, इससे ज़्यादा कहाँ से आएगा? फिर 7,000 क्या लोगों को दिखा रहे हैं कि 7,000 बंदे को परमिशन दी है? हम चाहते हैं कि स्मूथली लखनपुर में बिना रोक टोक के, जैसे कि पूरे हिंदुस्तान में किसी भी जगह किसी स्टेट में कोई रोक टोक नहीं है। MHA का रूल है कि किसी भी इंटरस्टेट गाड़ी को नहीं रोका जाए, पर हमारी स्टेट में रोका जा रहा है। हम आपके माध्यम से गवर्नर जी तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि शायद उनको कोई मिसगाइड कर रहे हैं, तो हमारे वो लखनपुर का रूट नहीं अभी तक खुला है। पहला मुद्दा ये है कि लखनपुर खुले, और दूसरा ये चाहते हैं कि हम बताना चाहते हैं कि क्या इस दिन के लिए हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था कि ये पास सिस्टम ख़त्म हो J&K में। 1947 में जो पास सिस्टम चलता था वही आज ये एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे पास लगा दिया है द्वारा पास सिस्टम। पास लेके कोई आएगा तो आएगा, उसको भी 5 घंटे वहाँ वेट करना पड़ेगा। और दूसरा जो हमें यहाँ गाड़ियाँ पाला इन्होंने रेक्टोमीटर, जो रेक्टोमीटर निकाला है वो किस लिए निकाला है हमें भी बताओ भाई कि क्या चक्कर है। 60-70 हज़ार रुपये का डिवाइस है और वो भी अभी J&K में अवेलेबल नहीं है। मैं चाहता हूँ अगर जब तक वो अवेलेबल नहीं है कम से कम 6 महीने का हमारे ट्रांसपोर्टर भाइयों को रिलैक्सेशन दिया जाए। 6 महीने तक गाड़ियाँ पास करो, उसके बाद देखो कि अगर वो रेक्टोमीटर आता है तो उसके बाद बात करते हैं।